पनीर रेसिपी खाने का मन है लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, 15 मिनट में बनने वाली तवा पनीर की रेसिपी है ना, एक बार वो ट्राई करते हैं। और खास बात ये कि अगर वेट लॉस भी करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप वेट लॉस जर्नी फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाती है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए ये तवा पनीर की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो जी, शुरुआत करनी है एक पैन में 1/4 कप तेल डाल के उसे गर्म करने से। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ। तेल हो जाए गर्म तो गैस को करेंगे धीमा और उस गर्म तेल में डालेंगे 1 चम्मच जीरा और जीरे के साथ ही चुटकी भर हींग। देखिए, थोड़ी बहुत काट छाटा पहले से करके रख लीजिएगा, जिसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज लीजिए, उन्हें मोटा मोटा काटिए। साथ ही टमाटर को भी रफली ऐसे ही मोटा काटना है। 1 शिमला मिर्च लेनी है, उसे भी मोटा मोटा काटिए। 1 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन और 1 छोटा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, साथ ही थोड़ा सा ताज़ा धनिया, इसे भी हम लोग आगे यूज़ करेंगे, वो बताता हूँ। अब चॉप किए हुए सामान में से प्याज, अदरक, लहसुन और शिमला मिर्च बड़ी ही सावधानी से इस गर्म तेल में छोड़ देना, लेकिन सावधानी से छोड़ना, कहीं कल को अगर जल वल गए तो मेरे से आके बोलो। अब करछी की मदद से सब कुछ मिक्स कीजिए और ये जो सब कुछ हमने कटाई छटाई करके सब डाला है ना इसमें, बस इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना। अब देखिए, 2 मिनट के बाद में क्या समय हो जाता है जी, समय हो जाता है इसमें टमाटर छोड़ने का। देखिए, टमाटर छोड़ने के बाद में इसमें छोड़ेंगे सारे मसाले। सबसे पहले लाल मिर्च, फिर उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, लगभग 1/2 चम्मच गरम मसाला, सफिशेंट है। क्या करना है, करछी लेनी है, सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरह की रेसिपीज आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन के आती हैं, स्पेशली तब जब आपके पास में टाइम कम होता है लेकिन आपको हेल्दी खाना खाना होता है। बहरहाल, धीमी आंच पे अभी इस मसाले को 2 मिनट के लिए भी और पकाना है। देखिए, 2 से 3 मिनट जब हो जाएं तो बस ढक्कन हटाना है, करछी की मदद से हल्का सा इस मसाले को चला लेना है। देखिए, मोटिव क्या है, इसको पूरी तरह से तो पकाना नहीं है बिल्कुल भी, हल्का सा शैलो फ्राई हो जाए, यानी कि हल्का हल्का पक जाए, बस समझ लीजिए हमारा काम हो गया। अब 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद 200 ग्राम पनीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को नहीं खिलाने हैं, सिंपल इस कढ़ाई में डालने हैं। और साथ ही 1 चम्मच कसूरी मेथी को अच्छे से हाथों से रगड़ के मसल मसल के इस पनीर के ऊपर छिड़क देना है। अब उसके बाद करछी की मदद से सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। बहरहाल, अच्छे से मिक्स करने के बाद में क्या करना है, ढक्कन लगा देना है और इसे बस 2 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेना है। 2 मिनट हो जाए तो बस ढक्कन हटाएंगे और करछी की मदद से हल्का सा चला लेंगे। सब बनके एकदम तैयार है, बस हरे धनिया की थोड़ी सी कमी लग रही है। तो बस क्या करना है, ताज़ा ताज़ा धनिया लेना है और उसे अच्छे से काट छाट करने के बाद में इस पर स्प्रिंकल कर देना है और आपकी झटपट से बनके तैयार होने वाली पनीर की रेसिपी एकदम तैयार है। पहली बात तो ये, जितनी भी थकान होगी ना आपकी पूरे दिन की, इसकी शक्ल देख के उतर जाएगी और बची कुची एक बार इसको खा लोगे ना, अय हय हय हय। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आप भी स्ट्रीट को एंजॉय कीजिए और ये वीडियो अगर पसंद आई है ना दोस्तों, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।